हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। आज जो हम एक नई अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं बड़े प्रोडक्ट की, वो है एक एलजी की वॉशिंग मशीन जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक है, टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन है। और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग मॉडल ईयर है वो है जून 2018। तो आइए चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, हम देखते हैं क्या क्या बना है, कौन से कलर की आई है। उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और राइट साइड पे आप जैसे देख रहे हैं बेल का आइकन है, उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रहे मेरे इस चैनल के लिए। धन्यवाद। तो पहले मैं आपको बाहर की जो अनबॉक्सिंग है, जो अनबॉक्सिंग हुई हो रखी है, मैं आपको वो बता देता हूँ कि एलजी के बॉक्स में ये आई है। अमेजोन से मैंने मंगवाई थी, 2 दिन के अंदर अंदर इसकी डिलीवरी हो गई है मेरे घर में। और जो डिलीवर बॉय था वो घर के ऊपर तक, मतलब सेकेंड फ्लोर पर हमारा फ्लैट है, तो वहाँ पर ये डिलीवर करके गया है। और इसके जो बाहर की जो MRP लिखी हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ वो कितनी है। यहाँ पे आप चेक कर पा रहे होंगे, जो MRP बताई है वो 19,990 है, लेकिन ये मुझे Amazon पे 15,990 की मिली है। टॉप लोडिंग फुली ऑटोमेटिक LG की वॉशिंग मशीन है, 6.2 kg का जो है कैपेसिटी है कपड़े धोने की। और यहाँ पे देख सकते हैं इनपुट वोल्टेज जो है 230 वोल्ट बताई गई है। और इसके अंदर जो जो एक्सेसरीज मिल रही हैं वो है इनलेट हाउस, एक इनलेट पाइप है, एक ड्रेनेज पाइप है, एक एंटी रेट कवर है जो कि नीचे लगता है, वो मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अमेजोन से ये जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर हुआ है। इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, आइए चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको इसको बताते हैं क्या कौन सा कलर है और कैसा ये प्रोडक्ट आया और इसके अंदर क्या क्या मिला है हमें। तो आइए थोड़ा सा और क्रीप से देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या है। ये मैंने ऊपर का जो कवर है LG का ओरिजिनल जो कवर है वो मैंने हटाया। इसके अंदर एक थर्माकोल है, थर्माकोल से अगर हम हटाते हैं तो ये जो पूरी वॉशिंग मशीन है आप देख पा रहे हैं फुली ऑटोमेटिक, ये इसका फ्रंट है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं विद इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है, कि अगर आपके घर में इन्वर्टर है वो उस पर चल जाएगी। 2 साल की इसकी वारंटी है ऑल ओवर और 10 ईयर्स की मोटर पे वारंटी है। इसका जो कलर मैंने मंगवाया ब्लू और वाइट है, ब्लू पैनल का कलर रहेगा और वाइट जो है वॉशिंग मशीन का है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पूरी फुली ऑटोमेटिक जो फीचर्स दिए गए हैं इसका, जो आप देख पा रहे हैं ये डायमंड ग्लास जो है विंडो है इसकी। यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हैं स्मार्ट इन्वर्टर 6.2 kg है और ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कैसे यूज करना है, वार्निंग्स दी गई हैं। इसके अंदर हम देख लेते हैं क्या क्या है क्या क्या नहीं है। और जैसे ही मैंने ये विंडो ओपन किया यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन है, इसे मैं इसके अंदर एक थर्माकोल है वो हटा देता हूँ। ओके, जैसे ही मैं ये थर्माकोल इसके अंदर हटाता हूँ तो इसके अंदर मैं कुछ चीज़ें देख पा रहा हूँ, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन दी गई है और ये एक रैट ट्रैप जो दिया गया है जो कि बिल्कुल नीचे लगता है टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन के, ताकि कोई चूहा या कोई और जानवर अंदर ना जा सके मशीन के। इसके अंदर मैं चेक कर पा रहा हूँ 2 पाइप्स हैं, एक इनलेट है, एक आउटलेट पाइप है, और साथ में इन्होंने एक एरियल का जो है कॉम्प्लीमेंट्री सर्फ दिया है यूज़ करने के लिए। इसके अंदर जो चीज़ें मैं आपको दोबारा से खोल के बताता हूँ दोबारा से क्या क्या है। बाकी आइए अंदर देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या है। यहाँ पे देख पा रहा हूँ जो पूरी स्पेस दी गई है 6.2 kg की, बहुत बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छी स्पेस है। अगर आप पहले सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारी भी थी 7 kg की थी, लेकिन ये 6.2 है, लेकिन ज़्यादा मैं एरिया देख पा रहा हूँ तो बहुत अच्छे से एरिया है। अगर आपके घर में 3 या 4 मेंबर है तो बहुत अच्छे से आप इसके अंदर वॉशिंग कर सकते हो। एक और चीज़ मैं आपको इसके अंदर दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक मैजिक फिल्टर दिया गया जो कि जो आप कपड़े डालेंगे उसके अंदर जो सारी मैल होगी इसके अंदर आ जा करेगी, ये मैजिक फिल्टर कहते हैं इसे। और यहाँ पे 3 पल्सलेटर और 1 पंच वाला दिया गया है ताकि वॉशिंग अच्छे से हो सके। और मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि डिटर्जेंट डालने के लिए यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे स्पेस दी गई है, यहाँ पे आप अपना डिटर्जेंट डाल सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कि ये जो फुली ऑटोमेटिक मशीन है इसके अंदर एक फजी लॉजिक फ्यूचर है। उससे होता क्या है कि जैसे आपने 2 कपड़े डाले चाहे 10 कपड़े डाले तो वो खुद ब खुद वेट कर लेगी और खुद ब खुद उतना डिटर्जेंट जो है पिक कर लेगी और ऑटोमेटिकली पानी भी पिक करेगी और ये धो देगी।
यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्मार्ट डायग्नोसिस का फीचर है। इसे हम कैसे हेल्प ले सकते हैं, जब भी आपके वॉशिंग मशीन में कोई ख़राबी आती है तो आपको LG के कस्टमर केयर पर कॉल करना है। जैसे ही आप कॉल करेंगे तो वो कुछ ना कुछ कमांड देंगे, आपको फ़ोन इतने पास लाना है और वॉशिंग मशीन खुद ब खुद वो कमांड पिक कर लेगी और ट्रबल शूटिंग कर लेगी। आइए अब जो बाहर का जो गत्ता है उसे उठा के देखते हैं, इसकी जो आउटर लुक है वो कैसे है। देखिए मैं बाहर से आपको जो इसकी आउटर लुक है वो बता देता हूँ। ये वाइट कलर की मैंने ब्लू और वाइट मंगाई थी, ब्लू इसका पैनल और वाइट इसकी जो पूरी बॉडी रहेगी। यहाँ पे मैं आपको फीचर्स बता देता हूँ कि जैसे आपने एक फंक्शन पे क्लोज धोने लगाए हैं लेकिन एकदम से लाइट चला जाती है और एक घंटे बाद लाइट आती है तो वो ऑटो रिस्टार्ट होगी, मशीन खुद ब खुद रिस्टार्ट होगी, जो उसके अंदर आपने फीचर्स लो किए थे सेट किए थे वो खुद ब खुद उठा लेगी। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 10 साल की मोटर पे वारंटी दी गई है LG के द्वारा, 2 साल की ऑल ओवर कॉम्प्रिहेंसिव जो है वारंटी रहेगी। और साइड से मैं आपको लुक बता देता हूँ, यहाँ पे LG के सर्किट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, साइड से कुछ ऐसी लुक रहेगी, फ्रंट से ऐसी रहेगी। और जो पीछे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे वायरिंग वगैरह होगी, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये इनलेट के लिए जो वाटर इनलेट के लिए स्पेस होती है वो दी गई है, यहाँ पे वाटर इनलेट की जो पाइप है वो फिट होगी। ये पावर वायर है और यहाँ पे जो वाटर आउटलेट की पाइप होती है वो फिट होगी यहाँ पे, और इसके नीचे ही जो रैट ट्रैप है वो लगेगा। तो आइए मैं आपको दिखा देता हूँ जो इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री सर्फ और अदर पाइप्स दी गई हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन बता देता हूँ। आइए अब हम एसेसरीज के बारे में चेक कर लेते हैं जो इसके साथ मिली है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये वाटर आउटलेट की पाइप है जो कि मैंने नीचे आपको पॉइंट दिखाया था उस वहाँ पे लगी हुई है, और उसके साथ ये वाटर इनलेट की पाइप है। इसके मैं एक खास चीज़ बता देता हूँ कि जैसे कि ये फुली ऑटोमेटिक पाइप है तो वो पानी भी खुद ब खुद उठाएगी, जस्ट आपको टैप खोल के रखनी है, तो उसके लिए पाइप थोड़ी सी अलग होती है। ये जो एंड है ये आप चेक कर पा रहे हैं, जो एंड है ये मशीन के साथ लगता है और ये जो एंड होता है स्टार्टिंग पॉइंट मतलब ये आपका लगता है टैप के साथ। और मैं आपको बता देता हूँ ये टैप के साथ कैसे लगता है, ये दो पार्ट्स हैं, यहाँ से आप प्रेस करते हैं तो ये पार्ट यहाँ पे नीचे आके खुलता है। तो ये दो पार्ट हैं, ये टैप के साथ परमानेंटली जुड़ा रहेगा जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आप देख पा रहे हैं ये जो नट हैं इन्हें हम लूज़ करेंगे और टैप के साथ जोड़ देंगे, और जब आपने पाइप मतलब कि वॉशिंग मशीन लगानी है तब आपने ये इसके साथ ऐसे जोड़ना है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं LG वालों ने एरियल की जो सर्फ है उसका एक कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट दिया है यूज़ करने के लिए, इसे भी मैं आपको खोल के चेक करवा देता हूँ क्या होता है इसके अंदर। तो एरियल का एक कॉम्प्लीमेंट्री 200 ग्राम का फ्री सैंपल जो है टॉप लोडिंग के लिए सर्फ मिला है जो कि यूज़ करने के लिए दिया गया है, साथ में कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिली है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये रैट ट्रैप है, ये जो मशीन है उसके बिल्कुल नीचे लगेगा ताकि कोई भी जो इंसेक्ट है या कोई चूहा है उसके अंदर जाके वायरिंग ना ख़राब कर सके वॉशिंग मशीन, साथ में ये डॉक्यूमेंटेशन और इसके यूसेज के लिए जो है मैनुअल दिया गया है यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हैं कि कैसे यूज़ करनी है, कौन कौन से टाइमर स्विचेस लगेंगे। बाकी मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई वॉशिंग मशीन लेना चाहते हैं, अगर आपका परिवार बहुत बड़ा है जैसे 4 से ज़्यादा मेम्बर है, तो आप कम से कम 7 किलो या 6.5 kg से ज़्यादा ही वॉशिंग मशीन लीजिए। अगर आपका परिवार 4 मेम्बर्स हैं या 3 मेम्बर्स हैं या उससे कम का है तो मैं कहना चाहूँगा कि देन गो फॉर ओनली 6.2 kg या फिर लेस देन डेट, और ये बिल्कुल बजट में भी बैठती है, 15,000 से नीचे या 15,000 के आसपास आ जाती है। बाकी अगर आप जितना आप वेट बढ़ाए जाएंगे कैपेसिटी का कपड़े धोने का उतना ही जो आपका बजट है वो बढ़ता रहेगा।
यहाँ पे मैं आपको एक बार पैनल फिर से बता देता हूँ, ये सारा पैनल है, ऐसे टाइमिंग होगी, एक बार मैं चेकआउट कर लूँ उसके बाद मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों एक और बात कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबा के रखिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का पता चलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस लाता रहूँ।